मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे। चर्चित चेहरे के हमारे गेस्ट हैं कांग्रेस के युवा ऊर्जावान व्यक्तित्व श्री शिवम जी यादव। शिवम जी यादव लगातार पिछले 8 वर्षों से अपने वार्ड क्रमांक 17 के आम जन की सेवा कर रहे हैं। काफ़ी आध्यात्मिक है, धार्मिक रूप से भी काफ़ी सशक्त हैं। हम ढेर सारी बातें करेंगे उनसे, उनके राजनीतिक करियर को लेकर भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ है, आपकी कॉलेज लाइफ किस तरह की हुई है। शिवम जी, सबसे पहले आपका आत्मीय अभिनंदन है, स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे के भीतर। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में यदि जानना चाहें, क्योंकि आप एक बिरले व्यक्तित्व के धनी भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र जो है महज 25 वर्ष की है और आपकी जो अलग अलग विधाओं में जो पकड़ है, आपकी जो स्थिर भाव है, आपकी जो गंभीरता है, आपकी जो बातचीत करने की जो शैली है, काफ़ी हमें भी अपना कायल बना रही है, आपका कायल बना रही है। क्या कहेंगे? अच्छा, मेरा तो बालकृष्ण भैया आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने ये चैनल चालू करा है प्राइम टॉक, और हम जैसे युवाओं को बोलने का मौका मिला है, बिल्कुल सही, अपनी बात रखने का, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैंने स्कूल करा है अपना रामबाग्स में, हमारा कॉन्वेंट स्कूल था, मदरलैंड कॉन्वेंट, वहाँ से मैंने 12th करी है जी। उसके बाद प्रेस्टीज मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ से मैंने BBA करा है जी। जिस तरह से देखा गया है कि आप चूँकि काफ़ी आत्मविश्वास से लबरेज लगते हैं, कहीं ना कहीं बात पहले इंटरव्यू की जाए तो मुझे महसूस हो रहा है कि आप एक दो क्वेश्चन होंगे तभी तक अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा बात करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद में अपने आप को कंफर्टेबल भी महसूस करेंगे। सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे, जैसे आपने स्कूल के बारे में बताया, अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताया, बड़ी संक्षिप्त में बताया, लेकिन कई बार यही खूबसूरती होती है एक नए युवा की, एक ऊर्जावान व्यक्तित्व की, क्योंकि कई बार कृतित्व व्यक्ति का बहुत कुछ होता है लेकिन बताते समय व्यक्ति बहुत कम बताता है। माता पिता का क्या नाम है, किस तरह के संस्कार मिले हुए आपको, किस तरह की राजनीतिक एक विरासत मिली हुई है। लगातार आपके पिता सम्मानित श्री के यादव जी कांग्रेस के 3 बार लगातार पार्षद रहे, वार्ड क्रमांक 17 की बात की जाए या आसपास के वार्ड क्यों ना बात की जाए, आपकी माता जी ने भी एक बार वार्ड के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है और महज 70 वोटों से पीछे रह पाई है। कैसा लगता है इस तरह का राजनीतिक विरासत का मिलना अपने जीवन में? देखो, मेरे पूज्य पिताजी का नाम KK यादव है जी, और वो प्रदेश के महासचिव हैं अभी कांग्रेस के, और 3 बार पार्षद रह चुके हैं जी। और हमारा जो जिस समय वो पार्षद थे जी, वो वार्ड हमारा उस समय 5 नंबर वार्ड कहलाता था जी, और काफी बड़ा वार्ड था बिल्कुल, जिस वार्ड के आज 3 वार्ड हो गए परिसीमन में जी। और वो वार्ड जब मेरे पिताजी अकेला संभालते थे जी, उस वार्ड को कहा जाता था कि वो वार्ड वार्ड नहीं है, वो एक विधानसभा है, बिल्कुल सही बात, कहा जाता था। काफी वोटर, तो मेरे पिताजी ने काफी काम करा जी। पहले मेरे पिताजी निर्दलीय लड़े थे, 2 पत्ती चुनाव चिन्ह था उनका, बिल्कुल सही बात, और जीते थे, फिर कांग्रेस के चिन्ह पे लड़े, 2 जीते जी। और मेरे पिताजी सचेतक भी रहे हैं नगर निगम, हाँ जी। और मेरी माताजी का नाम मंजू यादव है जी, पिछला जो चुनाव था नगर निगम का वही लड़ी थी जी, लेकिन कुछ 70 वोटों से हम रह गए थे बिल्कुल, तो हार का मुंह देखना पड़ा था। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि 70 वोटों की हार कई बार हार नहीं होती है, एक संघर्ष वीर जो होता है, एक वॉरियर जो होता है, एक योद्धा जो होता है, वो किस तरीके से चुनाव में लड़ता है, और चुनाव में लड़ने के बाद में यदि कुछ अंकों से रह भी जाता है तो उस हार को हार नहीं मानी जाती, क्योंकि जीतना ही सब कुछ सार्थकता है, सफलता का अंक गणित नहीं होता है, कई बार व्यक्ति का कृतित्व, उसकी की हुई सेवा भी बहुत मायने रखती है। आप लगातार देखा जा रहा है कि 3 दशक से आपका परिवार क्षेत्र में सेवा का कार्य कर रहा है, पिता द्वारा किस तरह सेवा की गई, उसके बाद आपके भाई सनी यादव जी, उनके द्वारा भी काफ़ी सकारात्मक सोच के साथ में बहुत सारे काम किए गए जिन्हें आज भी याद किया जाता है, आप अपने जीवन में किस तरह उन्हें याद करते हैं खासतौर से, क्योंकि हम तो उन्हें नहीं भुला पाए जी। जी, जो मेरे बड़े भैया थे सन्नी यादव, उनके बाद ही मैं राजनीति में आया हूँ, मेरा राजनीतिक आइडियल ही वही है बिल्कुल, कि अगर मैं किसी को मेरा राजनीतिक गुरु मानता हूँ तो मैं उन्हें ही मानता हूँ, उनको ही देख के मेरे को प्रेरणा मिली कि कैसे राजनीति करी जाती है, लोगों की सेवा कैसे करी जाती है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो उनको मैं देखता रहता था उस समय। और फिर हम जब छोटे थे, जब भी हम हमारे पिताजी को देखते थे बिल्कुल, मेरे पिताजी ने हमें सिर्फ एक ही बात सिखाई थी कि अपने को राजनीति नहीं करना, राजनीति में आके अपने को मानव सेवा करना, बिल्कुल सही कहा आपने, तो हम लोगों के मन में सेवा का भाव शुरू से रहा है जी। और राजनीति में आने का भी जैसे कभी कहीं जिक्र भी होता है हमारे पिताजी से जी, कभी बात करते हैं, हम मेरे डैडी से कभी बोला भी मैंने, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि पहले तुम
तुम्हारा 100% दो, बिल्कुल वो काबिलियत दिखाओ तुम जी, मेहनत करो जी, तब फिर अपन देखेंगे। तब मैं मेहनत कर रहा हूँ लगातार 8 सालों से, तो मैं सक्रिय हुई जी। जैसे शिवरात्रि पे भी मेरी यात्रा निकलती है जी, बहुत बड़ी हाँ शोभा यात्रा निकालते हो, मेरे बड़े भाई ने ही चालू करी थी सन्नी यादव ने जी, उसी को हम लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं जी, और अच्छे से अच्छा करते हैं। उसमें काफी मात्र शक्तियां रहती हैं, युवा रहते हैं, अखाड़ा रहता है, बैंड रहता है, काफी चीजें रहती हैं। बिल्कुल सही कहा कि एक व्यक्ति जो राजनीति में आगे आना चाहता है, कहने के बेस जो होता है उसको या तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से मिलता है, फिर सामाजिक या फिर आध्यात्मिक या यूँ कहें कि धार्मिक आयोजनों से ही व्यक्ति का बेस तैयार होता है। आपके द्वारा जो बाणेश्वर कुंड से जो मरी माता तक शोभा यात्रा निकाली जाती है, वो वाकई परसों परस से निकाली जा रही है, काफ़ी भव्य रूप और काफ़ी हाईटेक तरीके से भी कई बार उसमें जो संसाधन जुटाए जाते हुए देखने में आते हैं। ये वाकई जो आप जैसे हायर एजुकेटेड जो युवा हैं वो जब सेवा के माध्यम से आगे आते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सार्थक और सकारात्मक पहलू भी देखने को मिली जाती है। आपको काफ़ी आध्यात्मिक भी देखा जाता है, क्या वाकई आपके जो चेहरे का जो सुकून का भाव है, ये जो आपको एनर्जी मिलती है कि अध्यात्म से मिलती है, बाबा महाकाल से मिलती है, या फिर आपका व्यक्तित्व पहचानना जानना बड़ा कई बार आसान भी हो जाता है और कई बार मुश्किल भी हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे? बालकृष्ण भैया देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे परिवार में शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं मेरे माता पिता को, हम बाबा महाकाल के परम भक्त हैं जी। मेरे पिता को देखा मैंने, मेरी माता जी, एक 16 सोमवार का व्रत होता है बाबा भोलेनाथ का, काफ़ी महत्वपूर्ण व्रत होता है वो, और बहुत बड़ा व्रत कहा जाता है उसको, तो वो मेरे माता पिता ने 25 साल करा है, काफी तप किया हाँ जी। तो उसमें जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो उन्हीं को देख के हमको प्रेरणा मिली कि आध्यात्मिक में जाना चाहिए, भगवान बिना कुछ भी नहीं है, ये सिखाया भी गया हमको बचपन से, तो हम भी भक्ति की लाइन में चले, और हम बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। आपके परिवार की एक विशेषता और देखिए शिवम जी, हमने की आप सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय है, परिचय सम्मेलन की यदि बात होती है तो फिर के यादव जी का नाम लिया जाता है कि शुरुआत में जब समाज में काफ़ी कुरीतियाँ हुआ करती थी, आप क्यों कहें कि यादव समाज भी एक जमाने में आज से 3 दशक पुरानी बात की जाए तो काफ़ी गर्दिश काल के दौर में हुआ करता था, और उस समय आपके पिता और आपके पिता के अलावा भी जो यादव समाज के जो अन्य अन्य परिवार है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है समाज को आगे लाने में, किस तरह मानते हो और आपकी भूमिका अब इस दौर में किस तरह देखी जाती है सामाजिक कार्यों की बात की जाए तो? हाँ, सामाजिक में देखो अगर परिचय सम्मेलन का नाम आता है पूरे इंदौर शहर में तो मेरे पिताजी ने ही सबसे पहले स्टार्ट करा था परिचय सम्मेलन, अगर आप तहकीकात करेंगे तो मेरे पिताजी ने ही स्टार्ट करा था, और अब हम भी उसी मार्गदर्शक पे चल रहे हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, युवा आगे आए, हम सब पूरी कोशिश में ये लगे हैं, और इसीलिए हम लोगों की सेवा करते रहते हैं लगातार, समाज में भी आना जाना रहता है हमारा जी। और मेरे पिता के माध्यम से मैं जो भी कार्य रहते मैं करता हूँ। चलिए देखिए, आप 18 साल की आयु में आए और आपने आपके जीवन में एक यू टर्न आया और आपने कहीं ना कहीं अपने जो बड़े भाई है उनके जो अधूरे कार्य, जो उनके जो अधूरे सपने थे उन्हें पूर्ण करने का, उन्हें आगे बढ़ाने का जो संकल्प अपने जीवन में लिया है वो आपके चेहरे पर आपके आंखों में स्पष्ट रूप से देखा जाता जी, है जी। उनके क्या सपने हुआ करते थे, वो किस तरह युवाओं को जोड़ के रखते थे, और क्या आप भी सफल हो पाए इन 8 सालों की बात की जाए जिस तरह से आप 2012 से राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी सक्रियता दर्ज कराते हैं, आपके पास भी एक अच्छी बड़ी टीम बन चुकी है अब तक, आपने टीम को काफ़ी संगठित रूप से संगठित कर लिया है जी, जी। कितने अपने आप को सफल मानते हैं? मैं तो इसमें पूरा मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद मानता हूँ कि उनके आशीर्वाद बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता जी। और उनका ही जो इतनी बड़ी जो टीम थी जी। उनके जाने के बाद उनको संभालना, उन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना जी। ये काम मेरे को सब उनको देख के प्रेरणा आई है, और धीरे धीरे बीतते हुए 8 साल हो गए और आज हम इतने अच्छी जगह आ गए हैं, हम एक संस्था भी चलाते हैं, संस्था नमो नवग्रह सनी, उस संस्था के माध्यम से भी हम लोगों की मदद करते हैं, काफी मदद करते हैं। किस तरह संस्था है, कब गठन हुआ था, इसका लक्ष्य की बात की जाए या फिर इसके अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो क्या कार्यक्रम होते हैं संस्था द्वारा? इस संस्था के माध्यम से ही मैं यात्रा निकालता हूँ, इस संस्था के माध्यम से हम ब्लड डोनेट का रखते हैं, 31 मार्च जो मेरे भाई की पुण्यतिथि रहती है, सो ब्लड डोनेट का कैंप लगता है, स्वास्थ्य शिविर लगता है, ऐसे कई कार्य होते हैं जो मेरे संस्था के माध्यम से होते हैं जी। देखा गया है कि पिछले दिनों जिस तरह से कोविड काल जी आज भी चल रहा है, यानी कि आज भी काफ़ी विकट हालात बने हुए देवी अहिल्या की नगरी इंदौर के जी, किस तरह के सेवा के कार्य आपके द्वारा आपकी टीम के द्वारा पिछले दिनों जब कोरोना काल था और पूर्ण रूप से लॉकडाउन स्थिति बनी थी, कई परिवारों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, जरूरत का सामान नहीं था, कई लोगों के पास तो दवाइयाँ भी नहीं थी जी, क्या आप
आपके पास आप जैसे युवाओं को जिस तरह से अपने आप का वो जो प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह सेवा के कार्य आपके द्वारा संपन्न कराए गए? सर, मार्च के महीने में जो कोविड लगा जी, ये लॉकडाउन लगा, तो हमारे कने कॉल आने लग गए जी, लोग आने लग गए हमारे से जुड़े हुए, मेरे वार्ड से जुड़े हुए लोग 17 नंबर वार्ड के जी। तो फिर हमने ना उनको राशन सामग्री बांटना चालू करी, जैसा आटा हुआ, दाल चावल जो भी लगता है लोगों को, हमने आगे आए, मेरी संस्था आगे आई और हम लोगों ने ये पहल करी कि कोई भी परेशान नहीं होगा हमारे रहते पे जी। और हमने उनकी काफी मदद करी, काफी आटा बांटा मैंने जी, और जो भी मेरे से बना मैंने वो मदद करी, जरूरत का सामान भी बांटा। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाता है कि वार्ड क्रमांक 17 को लेकर यदि चर्चा की जाए तो काफी अनुकूलता वाला वार्ड कहलाएगा, एक ओबीसी पुरुष के रूप में वहाँ कैंडिडेट आरक्षित हो चुका है वार्ड, आपके लिए काफ़ी अनुकूल माहौल है, जिस तरह से आपके पिता ने लगातार वहाँ काम किया है, आपके माताजी वहाँ से चुनाव लड़ी हुई है, और इस बार पूर्ण रूप से यूँ कहे कि आपको स्वयं को एक भावी पार्षद के रूप में वहाँ देखा जा रहा है, लगातार आपको अग्रिम शुभकामनाएँ भी मिलना स्टार्ट हो गई, कैसा लगता है मन को आपके इस तरह की बातें हमारी ओर से होती है, आपके चाहने वालों की ओर से होती है? नहीं, बालकृष्ण भी ऐसा नहीं है, लोगों का प्यार है जी, तो मेरे जितने युवा साथी हैं उन लोगों का स्नेह है, और उन लोगों का कहना है कि नहीं यार अब तो है मौका, अब तो लड़ना चाहिए, तो लोगों की चाहत है और मैं तो मेरा कार्य कर रही हूँ, बाकी बाबा महाकाल की इच्छा। बिल्कुल सही कहा, कोई भी सुलझे हुए लीडर जो है, आप जैसे स्मार्ट जो हायर एजुकेटेड होते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहते हैं केवल काम करने के लिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें अब आपके पास है, वो सारी अनुकूलता आपके पास है। शायद पुराने दौर में ऐसा होता था कि कई लोग इस तरह से राजनीति में आते थे कि यदि राजनीति में आएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे हमारे कार्य हो जाएंगे, व्यक्तिगत कार्य हो जाएंगे, लेकिन अब पीढ़ी बदल चुकी है, आप जैसे युवा जो है आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन आपके भीतर जो है संस्कार है, सीख है, और वो सीख और संस्कार कहते हैं कि नहीं, राजनीति के माध्यम से बहुत अच्छे से जनसेवा की जा सकती है। आपके मन में किस तरह के भाव है? आपने कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं आप जैसे हायर एजुकेटेड युवा की, इस वार्ड को यदि मैं आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, और कहीं ना कहीं तो आपके ब्रह्मांड में भी कहा जाता है कि जिस चीज़ को मांगो वो मिल जाती है, और मुझे लगता है आध्यात्मिक लोग हो आप, तो अध्यात्म को काफ़ी करीब से पढ़ते हो, जानते हो, बाबा महाकाल की शरण में रहते हो, तो आप जैसे लोगों के सामने सकारात्मक परिणाम आना 100% तय कही जा सकते हैं, किस तरह के वार्ड के विकास को लेकर परिकल्पना अभी से आपके मन में हिचकोले खा रही है? मेरा वार्ड जो है जी, जो मेरे वार्ड में मूलभूत सुविधा है, मन में तो मैं अभी से ही लग गया हूँ, मैं वार्ड में मेरा कार्य कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, उन मेरे से जो मदद हो रही मैं उनके लिए कर रहा हूँ, चाहे वो लाइट की मदद हो, LED लाइट हो, चाहे वो ड्रेनेज का काम हो, चाहे वो बोरिंग का काम है, अभी हमारे माननीय विधायक संजय शुक्ला जी ने बोरिंग की सुविधा दी हमें, मेरे वार्ड को 5 बोरिंग दी हमने, जिसमें से 2 के भूमि पूजन हमने हो गया जी। तो जल की समस्या तो लगभग 1 साल में खत्म हो जाएगी जी। तो हम लोगों की मदद करने में लगे रहते हैं, दिन भर में वार्ड में ही रहता हूँ, किसको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पिता के शुरू से ही संस्कार रहे कि आप अगर राजनीति कर रहे हो तो आप पहले लोगों के बीच जाओ, उनमें अपनी छाप बनाओ, बिल्कुल सही, मदद करो उनकी जी। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि आप KK यादव के लड़के हो, बिल्कुल ये होना चाहिए कि आप में क्या क्वालिटी है, ये कई बार वो मेरे को बोल चुके हैं, तो मैं काफी आरक्षण मतलब 2-2.5 महीने से मैं मेरा वार्ड में बहुत सक्रिय हूँ, और मेरे से जितनी मदद होती है मैं पूरी करता हूँ। बिल्कुल सही कहा कि यदि पापा की ओर से आपको कहा गया है, आपके डैडी की ओर से कहा गया है कि मेरा नाम नहीं, आपको आपके खुद के नाम से पहचान मिले, ऐसा कुछ काम कर जाओ, आप कितने घंटे देते हैं वार्ड क्रमांक 17 में? मैं कम से कम 4-6 घंटे रहता हूँ मेरे वार्ड में, मैं सुबह समस्याएं आती है, काफी ड्रेनेज की समस्या आती है, LED लाइट अगर कहीं बंद है तो उसे चालू करवाता हूँ, मैं नहीं है तो उसे लगवाता हूँ मैं, और अभी 2-4-5 दिन के अंदर हम नर्मदा भी ला रहे हैं हमारी राम, हमारे माननीय संजय शुक्ला जी के माध्यम से, मेरे पूज्य पिताजी KK यादव जी के माध्यम से हम नर्मदा लाइन का भी शुभारंभ विधानसभा 1 में मेरे ही वार्ड से चालू होगा। क्या बात है, देखो इसे कहते हैं पावगुण जी, और हमारा अध्यात्म भी ये कहता है कि यदि सकारात्मक काम होना है, क्षेत्र में विकास होना है, तो कहीं ना कहीं उसके लक्षण जो है अभी से दिखाई दे रहे हैं कि अभी आपके पार्षद के केवल चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा भर हुई है, आप पिछले 8 सालों से सक्रिय हैं, और आप जैसे युवा से उम्मीद हर उम्र का व्यक्ति करता है, आपकी व्यक्तिगत लाइफ को यदि जानना चाहे
तो आपकी दिनचर्या क्या होती है सुबह उठने के साथ? मैं सुबह 7-7:30 बजे उठ जाता हूँ मैं जी। और नहा के अभी तो मेरी दिनचर्या है, मैं सीधा वार्ड में जाता हूँ। ओके। मैं दूसरा कोई काम करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों की समस्या निपटाता हूँ, मेरा ऑफिस पे पहुँचता हूँ, वहाँ लोगों से मिलता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बाइक से, टू व्हीलर एक्टिवा से मैं पूरा भ्रमण करता हूँ मेरे वार्ड का। जहाँ भी जिसको जो समस्या रहती मैं खुद उनके घर जाता हूँ और वो समस्या को निपटाता हूँ। शुभम जी, देखा जाता है कि आपको राजनीतिक विरासत तो मिली ही मिली, साथ में हाई प्रोफाइल राजनेताओं के, आपके परिवार के काफ़ी रिलेशन जग जाहिर रहते हैं। देखा जाए तो बात करें कमलनाथ जी की, तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बतौर भी पहचाने जा रहे हैं और उपचुनाव के बेला है काफ़ी सक्रिय भी। आपको कितना अभिभूत करता है, कितना गौरवान्वित करता है कि आपके परिवार, आपके पापा के यादव जी कमलनाथ जी के वर्षों बरस से इतने करीबी रहे? नहीं, कमलनाथ जी और हमारे जो संबंध है वो मेरे कभी राजनीतिक नहीं, पारिवारिक संबंध हमारे ज़्यादा रही है जी। उनका मेरी शादी में आना जी, ये बहुत कुछ दर्शाता है। बिल्कुल सही कहा। दिल्ली से अगर आप वो आएँ तो सिर्फ मेरी शादी के लिए आएँ, दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं था। तो हमारे तो आइडल वही रहे, हमारे घर के मुखिया भी वही रहे और मेरे पिताजी के राजनीतिक गुरु भी वही हैं। बिल्कुल सही। तो हम तो जो भी राजनीति कर रहे हैं उनकी वजह से ही कर रहे हैं और कमलनाथ जी का झंडा उठा के चल रहे हैं आज 30 साल हो गए। खास बात यदि यूँ इस तरह से भी पूछा जाए कि कमलनाथ जी की खासियतों के बारे में आपसे चर्चा की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अब वो परंपरा चल निकली है कि पार्टी तो अपनी जगह है ही, लेकिन व्यक्तिवादी राजनीति का दौर भी शुरू हो गया कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पसंद करता है लीडर को और उनके पीछे चला आता है। बालकृष्ण भैया, देखो अभी जो उपचुनाव की घड़ी है जिसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप किसी से भी बात करो तो वो एक ही नाम लेता, कमलनाथ जी। क्योंकि काम करा उन्होंने कमलनाथ जी ने, चाहे वो माफिया को हटाना हो, चाहे ये गुंडा राज हटाना हो, कोई भी काम उनने अच्छे काम करे, वो मतलब माफिया मिलावट को सबको उखाड़ फेंका उनने, तो लोग उन्हें पसंद करते हैं और वो कभी भी झूठे वादे नहीं करते हैं, जो बोला है वो ही उनने करा है। जिस तरह से राजनीति में भी ट्रेंड चला आ रहा है कि लगातार उपचुनाव के दौर में सर्वे भी आ रहे हैं, कहीं कमलनाथ जी की जीत को दर्शाया जा रहा है, भाजपा के विधायकों की हार बताई जा रही है, आप भी चिंतन करते होंगे, आप विधानसभा चुनाव के दौरान सक्रियता दर्ज कराते होंगे, आपको माहौल कैसा लग रहा है? आप युवा होने के नाते युवाओं के बीच जाते होंगे। मैं तो जहाँ जा रहा हूँ जितना फीडबैक ले रहा हूँ, मेरे को तो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है कांग्रेस के प्रति जी, कि कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बन रही है और एक तरफा बनेगी कांग्रेस, क्योंकि जो गद्दार हैं उनको तो जनता सबक सिखाएगी। बिल्कुल सही कहा। आपकी खुद की व्यक्तिगत पसंद की यदि बात की जाए तो क्या, कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? आपने भी इंटरव्यू से पहले चर्चा में कहा कि आपको घुड़सवारी भी काफ़ी पसंद है, वर्षों बरस से आपने एक घोड़ा भी पाला हुआ है और कहीं ना कहीं उस घोड़े पर आप यहाँ से लेकर आपके घर से लेकर या आपके फॉर्म हाउस से लेकर MR 10 तक तफरी भी खूब करना पसंद करते हैं, क्या है? मेरे को शुरू से घोड़सवारी का काफ़ी शौक रहा। पहले हम छोटे थे तो क्रिकेट खेलता था मैं काफ़ी, लेकिन समय की व्यस्तता को लेकर क्रिकेट से तो दूर हो गए हम, लेकिन वॉलीबॉल भी मैंने काफ़ी खेला जी। और अब समय जब मिलता है तो हफ्ते में एक दिन मैं हॉर्स राइडिंग जरूर करता हूँ, वो मुझे मेरा अति प्रिय है, वो मैं काफ़ी पसंद है मुझे वो। एक खास बात और देखी जाती है आपके परिवार में कि शॉन प्रेम जी, डॉगीज को काफ़ी प्रेम से पाला जाता है, उनकी तीमारदारी भी खूब अच्छे से होती है, उनके भोजन का भी काफी ख्याल रखा जाता है। जिससे हम आपके फार्म हाउस में पहुंचे तो हमने सुना कि 16 से 17 डॉगीज आपके यहाँ हैं, अच्छी ब्रीड के हैं, साथ में उनकी देखरेख के लिए स्पेशल लोग लगे हुए हैं। आखिर इतनी सेवा, ये भाव, ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये मेरे पिताजी को शुरू से डॉग का वो था जी, कि जो डॉग जो मतलब प्रजाति होती है जी, वो सबसे वफादार होती है जी। तो मेरे पिताजी को डॉग का काफी शौक है शुरू से, उसके बाद मेरे जो बड़े भैया थे उनको भी डॉग का काफी शौक था और हमको पूरे घर को डॉगी से बहुत लगाव है जी। तो हमने ऐसे करते करते डॉगियां हमारे काफी डॉगी हो गए जी, तो लगा रहता है वो डॉगी का संभालना करना, इसमें एक पशु की सेवा भी हो जाती है। और तो मेरे जो पिताजी हैं वो दान पुण्य में तो शुरू से आगे हैं जी, और वो हम लोग यही काम करा करते हैं। सुन जी, देखा जाता है अब सोशल मीडिया का समय है, चूंकि कोविड काल है और कोविड काल के चलते, वैश्विक महामारी के चलते सोशल मीडिया ने अपने आप को जिस अंदाज में पेश किया, आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर है और कहीं ना कहीं आप जैसे शख्सियतों को सुनता है, आप जैसे भावी लीडर को देखता है और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज देख कर ये तय भी कर लेता है कि हाँ, इनमें कुछ गुण है, इन लोगों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आप कितना एक्टिव है सोशल मीडिया पर? मैं काफ़ी एक्टिव हूँ मेरे सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। मेरे नाम से 2 ID है,
मेरा एक पेज है, बहुत सारी चीजें, मेरे जितने भी दिन भर के अपडेट रहती है मैं सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करता हूँ। आपकी व्यक्तिगत गोल की यदि बात की जाए तो क्या बनना है आपको जीवन में? आपके जीवन की शुरुआत है 25 ईयर के हो चुके हैं। मेरे जीवन में तो राजनीति में ही आगे बढ़ना है मेरे को, मेरे पिता का नाम आगे बढ़ाना है मेरे को, और अभी तो शुरुआत है, बाकी फिर भगवान देखो कहाँ ले जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तो शुरुआत है और आगे का रास्ता जो है, आगे का जो मार्ग है वो ईश्वर के हाथों में है। यानी कि यही बात आपकी गंभीरता को दर्शाता है, और इसी बात से मुझे लगता है इस इंटरव्यू को सुनने वाला हर शख्स भी मानता होगा इसी बात को। आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, अभी तो आप भावी पार्षद के रूप में पहचाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही आप इंदौर शहर के सबसे स्मार्ट और सबसे कृतित्ववान कॉर्पोरेटर के रूप में भी जाने जाएं। हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।